नमस्ते बच्चों, पैरा मेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि सेकेंड ईयर वालों का संभावित जो एग्जामिनेशन डेट है वो आ चुकी है। आप सबको नोटिफिकेशन दिख गया होगा और हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपने देख लिया होगा कि आपके जो डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी है उसके चारों पेपर की डेट आ चुकी है। 23 दिसंबर एक संभावित तारीख बताई जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है पहला रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल, जिसका दूसरा नाम, जिसके सिंपल लैंग्वेज में अपन लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है, उस क्वेश्चंस को हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो जो हमारा सबसे पहला एक क्वेश्चन, अगर अपन क्वेश्चन फॉर्म में देखें, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें डालती हूँ कि 20 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता। अगर कोई किसी बच्चे के दिमाग में ये हो कि मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, कि कौन सा सिलेबस में क्वेश्चन कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ जाता है, तो जब हम DIT सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर का मतलब है कि आपसे एग्जाम में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का पूछा जा सकता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट के पीछे मत भागिए, हम सिर्फ क्वेश्चन आपको जैसे डिस्कस करे जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लिखती हूँ कि व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये हमारा पहला टॉपिक भी है और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है 20 नंबर में। अगर शॉर्ट में ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इसको अगर थोड़ा बड़ा करें तो इसका क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, और इसके जो साइड इफेक्ट, या जिसे अपन एडवर्स इफेक्ट कहते हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन आपकी, इसको डेफिनेशन 5 नंबर में पूछा जा सकता है, अलग से क्लासिफिकेशन भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है और अलग से साइड इफेक्ट भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर ये पूरा एक क्वेश्चन 20 नंबर में भी आपके सामने आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, इसके जो रिटर्न नोट्स हैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगी कि इसको कैसे लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो सबसे पहले जब अपन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन होता है बेसिक, उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट होगा वो क्या होगा, डेफिनेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन में हमें क्या लिखना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है। जैसे सेकंड ईयर के बच्चे, हम अपन अभी जो हमारा रिवीजन क्लास है तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। उन केमिकल सब्सटेंस को जो टर्म अपन यूज लेते हैं वो होता है हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ये टर्म अपन यूज लेते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक तरह के रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है जिनका प्रयोग जो आसपास वाली स्ट्रक्चर है उनको विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, कि हमारे जो नॉर्मल जो था हमारा रेडियोग्राफ होता है उसमें अपन सारे स्ट्रक्चर्स को देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, कि अगर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आप सुन लीजिए कि हमारी एक्सरे में इमेज कैसे बनती है, हमारा जो रेडियोग्राफिक इमेज वो कैसे बनती है, कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अपन ये पेशेंट मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ ह्यूमन को माना है, ठीक है, और ये हमारा एक्सरे है। तो जब एक्सरे हमारे किसी ऑब्जेक्ट से, जो हमने पेशेंट को माना है, यहाँ से गुजरती है, तो इसमें एक प्रोसीजर होता है, अगर बोले इंट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं अपन एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होता है, एटेन्यूएशन इज एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग या पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये एटेन्यूएशन की मात्रा डिसाइड करती है कि हमारे जो इमेज है हमें कैसे मिलेगी। अगर हमारी जो रेडिएशन है, ठीक है, अगर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होकर निकल जाती है तो हमें ब्लैक दिखता है, और अगर पूरी तरीके से हमारी एक्सरे जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो हमें क्या दिखता है, वाइट। तो हमारे ब्लैक से वाइट के बीच का जो स्केल होता है, हमारे जो जितने भी शेड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी इमेज प्राप्त होती है। जैसे अगर हमारा एयर है, अगर हम हमारे ह्यूमन बॉडी में बात करें हमारे, तो एयर जो होता है, एयर हमें बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, ठीक है। हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो हमें ग्रे दिखेंगे, वाटर है वो हमें थोड़ा लाइट ग्रे दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो बोन्स है वो हमें वाइट दिखेगी, और अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
कोई मेटल ऑब्जेक्ट है या हम कोई बाहर से कॉन्ट्रास्ट जो इंजेक्ट कर रहे हैं वो हमें प्रॉपर वाइट दिखेगा। तो जो हम अगर इसका क्रम देखें तो इसका क्रम ऐसे होता है, एयर, फेट, फेट के बाद वाटर, फिर बोन, फिर अगर कोई कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन यूज लिए वो, या फिर हमारा कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा टोटल ब्लैक होता है और ये हमारा प्योर वाइट होता है। तो इस तरीके से हमें हमारी रेडियोग्राफिक इमेज मिलती है। तो अब हमारा जो इन सब में जैसे ये है, ये जो फेट है और ये जो वाटर है, ये हमारे ग्रे शेड में होता है, ठीक है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इसके बीच में, ठीक है, हमारी जो बोन्स है इसमें फेट में, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर कोई सॉफ्ट टिश्यूज़ है तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करके देखोगे। तो हमें इसको जैसे अगर अपन एक और बात करें, ये हमारा कोई सॉफ्ट टिश्यू है और ये हमारा कोई इंटरनल ऑर्गन है जो हमें देखना है, या फिर कोई हमारी आर्टरी या वेन है, अपनी मानते हैं आर्टरी या वेन है, ठीक है। अब अपने को इसको विजुलाइज करना है, तो इन दोनों में कलर डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये भी ग्रे है और ये थोड़ा लाइट ग्रे है तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। तो इनकी डेंसिटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। डेंसिटी हम कैसे बढ़ाएंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा मीडियम, हम कुछ ऐसे पदार्थ इसमें डालें, कुछ ऐसे पदार्थ को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाए कि वो उससे अलग विजुअलाइज हो जाए, तो हमारी डेंसिटी डिफरेंस हो जाए। तो ये हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। इसका जो डिटेल है ना कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है, कैसे बना है, जब हम अपन सेकेंड ईयर का बेसिक बिल्कुल प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पर्पज से देखना है कि हमें लिखना क्या है। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, कि ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका प्रयोग किया जाता है हमारे आसपास के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए। आप लोगों को जो इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि अभी जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद हम हमारे कॉन्ट्रास्ट की क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो ये होनी चाहिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, हमारे जो सराउंडिंग टिश्यू है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया जब हम पढ़ते हैं जो कंपैरिजन करेंगे ना सराउंडिंग टिश्यू से करेंगे। जैसे आप दिमाग में इमेज बनाइए हमारे एब्डोमन की, ठीक है। हमारा जो एब्डोमन रीजन होता है उसमें जब अपन प्लेन रेडियोग्राफ करते हैं तो आपको शेड्स दिखते हैं, हल्की हल्की से शेड दिखती है। जैसे यहाँ आपको स्टमक की हल्की हल्की शेडो दिखेगी, इंटेस्टाइन की आपको शेडो दिखेगी और किडनी की शेडो दिखेगी, और यहाँ आपको जो हमारा स्पाइन है वो थोड़ा क्लियर विजुलाइज होता है, ठीक है। तो आपको जैसे किडनी है, अब हमें किडनी में देखना है, हमें किडनी में आपको क्लियर देखना है। अब आपको इसकी नेफ्रॉन्स या आपकी कैलिक्स वाली स्ट्रक्चर देखनी है, तो आपको जो कंपैरिजन करना है इसके सराउंडिंग टिश्यू से करना है। तो हमें है जब भी आप है ना इसकी प्रॉपर्टी लिखो तो इसका कंपैरिजन सराउंडिंग टिश्यू से करो। तो इसकी जो सराउंडिंग टिश्यू के कंपैरिजन में इसका पहली प्रॉपर्टी है इसका एटॉमिक नंबर वो ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए या फिर काफ़ी कम होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर या तो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो आप लोगों को अच्छे से विजुलाइज होगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि ये जो है ना ये हमारी बॉडी में परमानेंट नहीं होती, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारी बॉडी में परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्परेरी डाई होती है जो कुछ समय के लिए हमारी बॉडी में एक तरह से रंग करने का काम करती है, इसको आपस में विजुलाइजेशन बढ़ाने का काम करती है। ये आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी होगी। फिर अपन बात करें कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में, अगर आप लोगों को थोड़ा सा और कुछ इंट्रोडक्शन देना हो तो इसमें आप ये दे सकते हैं कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, कि इसको अपन कैसे देते हैं, ये हमारी बॉडी में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। तो सबसे पहले ओरल, रेक्टल और आईवी कॉन्ट्रास्ट के थ्रू, ये तीन मेन इसके हमारे पाथ होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को इसमें ये लिखना है कि इसमें ये कौन कौन सा तरीका इसमें अपन यूज़ लेते हैं। कहीं ऐसे कॉन्ट्रास्ट है जिसमें हम IM भी उनको दे सकते हैं। IM का मतलब है, IV का मतलब यह इंट्रावेनस है, IM का मतलब है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्ट्रास्ट का एक थोड़ा सा 5 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है कि अगर आपके सामने कॉन्ट्रास्ट आ जाता है
तो अगर सिर्फ ये आ जाता है कि एक शॉर्ट नोट कॉन्ट्रास्ट मीडिया पे लिखो, तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी प्रॉपर्टी बतानी है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, और जो उसके टाइप है उसका एक चार्ट बनाना है। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। आपके 20 नंबर के क्वेश्चन को आपको मैक्स टू मैक्स 30 मिनट देना है। ठीक है, 30 से 35 मिनट से आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तब जाके आप क्वेश्चंस को सारे अटेम्प्ट कर पाओगे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, एग्जाम में कुछ भी हो आपको क्वेश्चन छोड़ के कोई सा भी नहीं आना है। अब अपन बात करें क्लासिफिकेशन की, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया को अगर अपन ब्रीफली देखें तो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके जो दो मेथड है, पहला जो मेथड होता है उसका वो होता है हमारे इसकी बीम एटीन्यूशन के हिसाब से। बीम एटीन्यूशन अपन देख चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग, हमारी रेडिएशन कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाती है, कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाती है, उसके आधार पे हम इसको डिवाइड करेंगे। दूसरा प्रोसीजर के आधार पर, कि हम जो जो प्रोसीजर है हमारे कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, हमारी जो रेडियोलॉजी में बात की जाए तो हमारे जो प्रोसीजर है कौन कौन से हैं, एक्सरे, सीटी, एमआरआई और यूएसजी। इन प्रोसीजर के आधार पे, क्योंकि हर हमारे जो एक्सरे सीटी है ये एक अलग प्रिंसिपल पे काम करती है, एमआरआई अलग प्रिंसिपल पे काम करती है और यूएसजी अलग प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इन सबका जब प्रिंसिपल अलग है तो हमारे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उनकी प्रॉपर्टी हर प्रोसीजर में अलग अलग होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे क्लासिफिकेशन लिखना है। अगर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ कॉन्ट्रास्ट मीडिया आएगा तो क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ इनका नाम लिखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेथड के आधार पर और अटेंशन के आधार पर, और फिर इनका एक बेसिक सा चार्ट बना के आ जाना है। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है ना मार्क्स का, या आपका जितना भी आप आंसर जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो उतने अच्छे आपके मार्क्स आने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीम एटीन्यूशन के आधार पर। ठीक है, तो बीम एटीन्यूशन के आधार पे कि हमारी बीम कैसे एटीन्यूएट करती है, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, तो इस सिर्फ इतना सा आप 5 नंबर में बना के आ सकते हो, अगर क्लासिफिकेशन पूछता है या सिंपल इंट्रोडक्शन पूछता है, और हमारे मेथड के आधार पे है, उसका भी आपको एक चार्ट है जो आप लोगों को आराम से नोट्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला हम देखेंगे बीम एटीन्यूशन के आधार पे। तो आप लोगों को इसमें पहले पॉजिटिव के बारे में लिखना है और नेगेटिव के बारे में लिखना है। चार्ट को ही कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा अगर आप है ना पैराग्राफिक रूप में लिख के आओगे तो वो क्वेश्चन भी आंसर भी थोड़ा बोरिंग हो जाता है और एग्जामिनर को चेक करने में मज़ा भी नहीं आता। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। अब जिस भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो वो रेडिएशन को क्या करेगा, ज़्यादा एटीन्यूट करेगा, वो क्या करेगा, मोर एटीन्यूट करेगा। ठीक है, मोर एटीन्यूट करेगा मतलब मोर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मोर एब्जॉर्ब करेगा मतलब कैसा दिखाई देगा, वो हमें वाइट दिखाई देगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि जितना ही मैंने मोर ये शब्द लिखा है ना, मोर का मतलब होता है जब अपन किसी दो चीज़ में कंपेरिजन करें। मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का हमेशा कंपैरिजन सराउंडिंग टिश्यू से किया जाता है। तो ये सराउंडिंग जो टिश्यूज़ है जिससे हमें अलग से विजुलाइज करना है, उससे अच्छा एब्जॉर्ब करेगा कंपेरेटिव, उससे अच्छा एटीन्यूट करेगा, तो ऑटोमेटिक उससे ज़्यादा क्या दिखेगा हमें, ये वाइट दिखेगा। ठीक है, उसके कंपेरिजन में ज़्यादा वाइट दिखाई देगा। अगर इसका एग्जाम्पल की बात की जाए कि अगर कौन कौन से हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं, तो हमारे बेरियम बेस्ड जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वो, अब बेरियम बेस्ड लिखिए, बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया मत लिखिए, बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ लेते हैं अपन, सिंपल बेरियम कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं लेते। ठीक है, और दूसरा होएगा हमारा आयोडीन बेस्ड। ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, अपन लिख दे आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया या बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वो नहीं, बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया और आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। चाहे आप इसमें चाहो तो फिर नाम लिख सकते हो कि बेरियम सल्फेट
या इसमें फिर आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया या आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपको एक यहाँ पे लिखना है। अब अपन बात करें नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, कि इसका जो एटमिक नंबर है वो सराउंडिंग टिश्यू के कंपेरिजन में कम होगा, ठीक है। तो ये अटेन्यूशन भी क्या करेगा, कम करेगा, ये एब्जॉर्प्शन भी कम करेगा, और ये हमें कंपेरेटिव ब्लैक दिखाई देगा। हमेशा याद रखना टाइप्स को समझना है कंपेयर करके। आप कंपेयर करके समझोगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मोर एटीन्यूशन किससे, नहीं नेगेटिव से, मोर एटीन्यूशन नहीं, सराउंडिंग टिश्यू से। तो ये एक आपको बेसिक सा चार्ट बना के आना है, बीम एटीन्यूशन के आधार पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब आप है ना, सिर्फ अभी हम कॉन्ट्रास्ट की बात करेंगे, अभी बेरियम और उसको आयोडीन को अपन अलग से समझाएंगे, वो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के आपके एग्जाम्पल है एयर, CO2, ये बेसिक आपके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल भी लिखने हैं। द बेसिस ऑफ प्रोसीजर, हमारे कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, एक्सरे और सीटी, USG और MRI। एक्सरे सीटी में हमारे जो कॉन्ट्रास्ट यूज लिए जाते हैं वो यूज लिए जाते हैं हमारे बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया और हमारे जो एयर CO2 वाटर। तो ये अगर अपन देखें तो ये हमारे पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी होते हैं, ठीक है। अब USG, जो हमारे USG के कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लिए जाते हैं, उनके नाम आप लिख लीजिए। USG बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी हमारे तीन पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये चार्ट आप अच्छे से बना लेना। ब्लड पूल एजेंट, टिश्यू स्पेसिफिक और बायफेजिक एजेंट, इनके अभी तक आप नाम देख लीजिए, अपन जब पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोजेक्शन दे दूंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पज से देखना है, ठीक है। तो ये हमारे USG बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गए। अब हम बात करेंगे हमारे MRI बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। MRI में हम कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हमने चार पार्ट में इसको डिवाइड किया है। MRI के अगर अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया देखें तो इनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एजेंट, फिर आता है हिपेटोबाइलरी एजेंट, सब पहले आया एक्स्ट्रा सेलुलर एजेंट, हिपेटोबाइलरी एजेंट, तीसरा आता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल स्पेसिफिक एजेंट। ये आपके पार्ट के हिसाब से इसमें नाम है। और फोर्थ हमने इसमें लिया है ब्लड पूल एजेंट। तो अगर आप इन सबके नाम लिख के आ जाओगे ना, तो अपने आप, अभी तो अपन ने अलग अलग लिखा है, जब आपका पूरा अच्छा सा डायग्राम बन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर हमने इसको इतने इसमें डिवाइड किया है, तो आप ये मान के चलिए कि क्लासिफिकेशन में आप कुछ मत लिख के आइए, दोनों चार्ट बना के आ जाइए, आपके 5 नंबर तय है। आप 20 नंबर में अगर क्लासिफिकेशन आता है तो भी अगर ये चार्ट बनाओगे तो एग्जामिनर के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ इस बच्चे को ये तो पता है कि इतने इतने पार्ट्स में अपन ने इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से होता है। अगर अब आप पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है, अब हमें 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हम लोगों ने डेफिनेशन लिख चुके हैं, इसके चार्ट बना चुके हैं। अब अपन बात करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात की जाएगी, क्योंकि अब बेरियम के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में जो पहला है वो है हमारा बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है कि अब बेरियम बेस्ड जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है ये क्या होता है, कि ये हमारे GIT में सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे GIT में यूज़ लिया जाता है, हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें बेरियम सल्फेट यूज़ लिया जाता है, इसके अलावा ये कहीं यूज़ नहीं लिया जाता। तो हमारा जो बेरियम है, अब इसके बारे में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो कंपोनेंट है
हम बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ लेते हैं, सिंपल हम बेरियम यूज़ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म में होता है सिंपल बेरियम, हमें इसको बेरियम सल्फेट के साथ यूज़ लेना होता है। बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 56 होता है, ये कंपेरेटिव हाई एटॉमिक नंबर है, तो ये अच्छे से विजुलाइज होता है, ठीक है। ये हाईली रेडियो उपयोग होता है, हाईली रेडियो उपयोग एक टर्म आता है, रेडियो उपयोग, ये टर्म को आपको बार बार यूज लेना है। और एक टर्म होती है रेडियो लूसेंट। उपयोग का अगर हिंदी में देखें तो सीधा सीधा मतलब है अपारदर्शी, और ल्यूसेंट का मतलब है पारदर्शी, तो ल्यूसेंट की जगह ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं अपन। तो रेडियो उपयोग जो होते हैं वैसे सब्सटेंस जो हमारी रेडिएशन को आर पार नहीं होने दे, ठीक है। तो अपने आप हमारे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, वो क्या हो जाएंगे? रेडियो उपयोग सब्सटेंस, ठीक है। और जो हमारे नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो क्या हो जाएंगे? हमारे रेडियो ल्यूसेंट, ठीक है। तो ये हमारे अच्छा रेडियो उपयोग होता है। इसके बारे में आप लोगों को 5-5, 6-6 लाइनें लिखनी है कि नॉन टॉक्सिक होता है और ये हमारे डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़ में यूज़ लिया जाता है, इसका पाथ कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें दिख जाएगी। भाई कॉन्ट्रास्ट इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप टेंशन मत लो। टेलीग्राम पे आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ में, ठीक है। तो हमारा ये जो बेरियम, आप जब लिखो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया तो बेरियम के बारे में आपको इतना सा लिखना है। फिर अपन बात करेंगे आयोडीन की, इसके बाद हम बात करेंगे आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, कि आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया में आप लोगों को क्या 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 लिखना है। अब जो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं ना, आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को लिखते वक्त आप लोगों को इसकी सबसे पहले ये बताना है कि जो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया ये हमारा कौन सा है, आईवी कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। इसे हम इंटरवीनस ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट को, और फिर हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। हमने हम स्ट्रक्चर के आधार पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हमारा जो आयोडीन कॉन्ट्रास्ट है ये आयनिक है या नॉन आयनिक है, ठीक है। हमारे जो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, आयनिक और नॉन आयनिक, और ये दोनों आयनिक और नॉन आयनिक भी सब डिविजन होता है इनका, मोनोमर और डायमर में, ठीक है। तो ये हमारे आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट के बारे में है। अब आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट के बारे में सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिखो, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सिंपल सा अगर इसके बारे में बोले तो ये ट्राई आयोडोनेटेड ई है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। ट्राई आयोडिनेटेड बेंजीन रिंग मतलब हमारी जो बेंजीन रिंग है, आप सबको पता है बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसमें तीन आयोडीन लगे हुए होते हैं, ये इसमें फिक्स है, ठीक है। तो इसमें तीन आयोडीन हमारे, जैसे 1, 2, 4, 6 पे हमारे आयोडीन प्लेस होते हैं, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है। 1, 3 और 5 पे आपके अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, 1, 3 और 5 पे आपके अलग अलग स्ट्रक्चर है, उससे डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। 2, 4, 6 पे हमेशा हमारा आयोडीन पाया जाता है, ये बात आपको हमें याद रखनी है। अब जो हमारा C1 है, मतलब हमारे जो फर्स्ट कार्बन पे जो स्ट्रक्चर है वो इसको डिफरेंशिएट करती है कि वो नॉन आयनिक है या आयनिक आयनिक है। अगर मान लो वो आयनिक है तो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो C1 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें H को अपन रिप्लेस कर देते हैं सोडियम या मैग्लूमीन से, ठीक है। H को अपन रिप्लेस कर देते हैं सोडियम या मैग्लूमीन से, तो ये हो जाता है हमारा आयनिक। और अगर हम H को रिप्लेस करते हैं एमाइड ग्रुप से तो ये हो जाता है हमारा नॉन आयनिक। ऐसे आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिख के आना है, इसके बारे में 2-4 पॉइंट बताने हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि ये क्या क्या होता है। ये आपको इसकी स्ट्रक्चर्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम नोट्स में पूरे अच्छे से प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया और मीडियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है बच्चों। आगे हम जो इससे रिलेटेड जो आंसर है उसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, बाय।